झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का मैं आपका स्वागत है। बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज़ की कि किस कॉमोडिटीज़ में तेज़ी और मंदी देखने को मिल रही है और क्या कुछ करके आप इसमें आगे चल सकते हैं। और इन सब पे ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मार्केट टाइम्स की मैनेजिंग एडिटर। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉन एग्री कॉमोडिटीज़ बात करते हैं सोने चांदी से। बता दें कि सोने में आज हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है और सोना 50,690 पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में गिरावट देखने को मिली है, 56,830 पर ट्रेड करता ये दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि सोने चांदी का बाज़ार में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या ये सोने में जो तेज़ी देखने को मिली है ये इसमें और बढ़ोतरी होगी या फिर कुछ गिरावट इसमें भी देखने को मिल सकती है? देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज के दिन सोना जो है थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी जो देखें टेक्निकली चार्ट पर हम देखें तो थोड़ा सा प्रेशर में ही है और $1,720 से लेकर $1,700 डाउनसाइड में अगर आता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। बाइंग तो देखिए सोने में देखने को मिलेगी आगे चलकर, तो जो भी डिप आती है, करेक्शन आती है, उस करेक्शन में बाइंग करें और आगे चलकर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। चांदी में भी निचले स्तरों पर बाइंग करना चाहिए। अभी $19 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो वहां पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। मुझे लगता है कि सोना चांदी दोनों ही आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, डिप मिले तो वहां पर खरीदारी करें। चांदी 56,400 से लेकर 56,200 की रेंज में आती है तो वहां पर बाइंग किया जा सकता है। वही सोने की बात करें तो सोने में भी 50,000 के आसपास जो है वो खरीदारी करके चला जा सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव वापिस से मार्केट रिकवर होते हुए दिखाई देंगे और सोने और चांदी में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि सोने और चांदी में बाइंग करके चल सकते हैं आप, इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। बात करते हैं अगर कच्चे तेल की तो कच्चा तेल आज 8,145 पर ट्रेड करता दिखा है और कच्चे तेल में गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, क्रूड में अभी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है, लेकिन अभी वापसी जरूर किया है इंटरनेशनल मार्केट में, $100 के ऊपर मार्केट निकला है। अब हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव भी देखने को मिले, मार्केट एक तेजी आती हुई दिखाई दे और क्रूड जो है 8180 से लेकर 8200 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। जी, बात करते हैं नेचुरल गैस की तो आज नेचुरल गैस 491 पे ये ट्रेड करता दिखा है और गिरावट देखने को मिली है नेचुरल गैस में। तो आपको क्या लगता है कि जो नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिल रही है क्या ये बरकरार रहेगी कि या फिर इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? बात करते हैं नेचुरल गैस की, रूपा जी, जी तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कॉमोडिटीज़ में सोना चांदी इस टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप अगर सोने और चांदी में कारोबार करके चलते हैं तो आपको इसमें अच्छा फ़ायदा होगा क्योंकि सोने में बढ़ोतरी देखने को मिली है लेकिन चांदी में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन फिर भी आप इसमें आगे ट्रेड करके चल सकते हैं। रूपा जी, बात करते हैं अगर नेचुरल गैस की तो ये बता दें कि 491 पे ये ट्रेड करता दिखा है, इसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को नेचुरल गैस में मिली है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये गिरावट देखने को नेचुरल गैस में मिल रही है ये बरकरार रहेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, नेचुरल गैस में गिरावट बनी रह सकती है और आगे चलकर मुझे लगता है कि ये गिरावट बढ़ सकती है और 420 से लेकर 400 की रेंज में मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर जाए 515-20 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, अगर बेस मेटल की बात करें और बेस मेटल पे नज़र डालें तो बेस मेटल में गिरावट देखने को मिली है, जहां कॉपर 660 पर ट्रेड करता दिखा है, जिंक 280 पे और एल्यूमिनियम 211 पर ट्रेड करता दिखा है। तो जो ये गिरावट इसमें दिख रही है तो आपको क्या लगता है कि बेस मेटल के बाज़ार में आगे बाइंग करके चलना चाहिए या फिर बेस मेटल में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? अभी देखिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है और अभी आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, चाहे वो जिंक हो या फिर कॉपर हो, लेकिन अभी ऊपरी स्तरों से मुझे लगता है कि अगेन प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है।
640 तक से लेकर 620 की रेंज में कॉपर आ सकता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी नीचे में 260 के आसपास एक बार आ सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाइंग की है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म इंट्राडे में प्रेशर बना रह सकता है, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होते हुए देख सकते हैं। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल में अभी प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन बाइंग करके आप चाहें तो चल सकते हैं। लेकिन बात करते हैं अगर रूपा जी ऑल ओवर नॉन एग्री कॉमोडिटीज में कौन सी कॉमोडिटीज इंट्राडे में जो है उसमें आगे कारोबार करके चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि सोना और चांदी दो ऐसी कमोडिटीज हैं जिनमें निचले स्तरों पर खरीदारी करके आप आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज इंट्राडे में थोड़ा सा क्रूड पर दबाव है, बेस मेटल में दबाव है, उनके अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी जैसा कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कॉमोडिटीज में सोना चांदी एक ऐसी कॉमोडिटी है जिसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। रूपा जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज पे। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।